कक्षा 11 का नया चैप्टर है सरल लेखा में गति, इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपने पिछले 3 चैप्टर पढ़े होंगे, वीडियो पढ़ी है आपकी चैनल पे। तो सरल लेखा में गति क्या होती है? गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव होना, वो गति कहलाती है। तो गति के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो निर्देश तंत्र का मतलब क्या है? तो निर्देश तंत्र का मतलब होता है जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 3 अक्ष होते हैं x, y और z। अभी तक आपने 2 अक्ष पढ़े होंगे x और y, और प्रकृति में 3 अक्ष होते हैं x, y, z। प्रत्येक की 3 डायमेंशन होती है, 3 अक्षों के सापेक्ष ही होती है। तो निर्देश तंत्र का मतलब होता है कि वह ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष हम लोग गतियां करते हैं, वह निर्देश तंत्र कहलाता है। अब या तो गति आप एक अक्ष के सापेक्ष करेंगे, सीधे सीधे चलेंगे रोड पे, तो वो एक अक्ष के सापेक्ष गति हो गई। 2 अक्षों के सापेक्ष गति करेंगे, यानी कि गोल गोल अगर घूमेंगे तो ये 2 अक्षों के सापेक्ष गति हो गई। और फ्री मोशन में आप चारों दिशाओं में अगर एक साथ गति कोई होती है तो 3 अक्षों के सापेक्ष गति कहलाती है। तो इस भाग को हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं। 2 तरह के यहाँ पर निर्देश तंत्र के बारे में बात करेंगे। पहला निर्देश तंत्र जो होता है वो कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की जैसे की बात करें, जड़त्व का मतलब होता है रुके रहना, एक जगह पर स्थिर रहना। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें गति स्थिर अवस्था में होती है, यानी कि कोई वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान को मूव नहीं होती, केवल अपने स्थान पर गति करती है, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और ये निर्देश तंत्र न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता है। दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हम लोग ये देखते हैं इसमें गतियां क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में होती है। कोई वस्तु अपने स्थान से मूव होकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसको हम लोग अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसमें ये गतियां न्यूटन के नियमों का पालन करती। इस आधार पर जो गतियों के प्रकार है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। गतियों के प्रकार, तो गतियों के 3 प्रकार होते हैं। पहली गति होती है 1 धीमी, दूसरी होती है 2 धीमी, और फिर तीसरी होती है 3 धीमी। एक विमीय गति का मतलब अभी आपने बताया था, हमने आपको बताया था कि एक दिशा में केवल गति करना। जैसे रोड पे हम लोग चलते हैं, एक दिशा में गति करते हुए चलते हैं, तो वो आपकी एक विमीय गति कहलाएगी, सीधी सरल रेखा में गति करना। द्विविमीय का मतलब होता है कि भी 2 दिशाओं में एक साथ गति करना। तो 2 दिशाओं की जो गतियां होती है वो वृत्ताकार गतियां होती है, जिसमें सरल रेखा में भी चलते हैं, उस पर की ओर भी घूमते हैं, तो ये आपकी द्विविमीय गति होगी। और त्रिविमीय गति का मतलब होता है सभी दिशाओं में एक साथ गति करना। जैसे कोई गैस का अणु होता है तो वो अपने लिए चारों दिशाओं में गति कर सकता है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं। तो आपने यहाँ पर गतियों की बात अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले गतियों का सिस्टम था, किस तंत्र के सहायता से गतियां होती है, कितने प्रकार के तंत्र होते हैं, कितनी प्रकार की गतियां होती है। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, वही परिभाषाएं यहाँ पर गतियों में पढ़ेंगे। तो पहली परिभाषा आती है दूरी की, कि आखिर दूरी क्या होती है। तो दूरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस होती है एक प्रकार की लेंथ। तो दूरी का मतलब होता है कि वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई। तो कुल लंबाई, जैसे यहां से हम लोग कहीं जाते हैं वापस आते हैं, तो ये आपकी कुल लंबाई होगी, यही आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो इसके आगे आपको अन्य परिभाषाएं कल बताई जाएंगी।